alaikum dear learners. Now we are going to start a new chapter entitled socialization. Objective of this lecture are to define the concept and nature of socialization, describe the perspective of socialization. After taking this lecture, learner will be able to define and understand the nature of socialization, understand the role of factors in the process of socialization. वॉट इज सोशलाइजेशन द वे इंडिविजुअल लर्न एंड्रिएट स्किल्स नॉलेज एंड सोसाइटी अब हम सब जो हैं डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं हम जिस कम्यूनिटी में रह रहे होते हैं जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं वहाँ हमारे हमारी जिम्मेदारियां होती हैं कुछ हमारे रोल्स होते हैं जो हमने परफॉर्म करने होते हैं हम उस ग्रुप के साथ वाबस्ता होते हैं और हमारा एक किरदार होता है अब जो सोशलाइजेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम डिफरेंट चीजें सीखते हैं जिसमें डिफरेंट स्किल्स भी होती हैं कि हमने कोई काम करना है हमने किसी से रिलेट करना है हमने कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी है तो वो हमने कैसे करनी है ऑक्यूपेशनल सेटिंग में हमने कैसे बिहेव करना है सोशल सेटिंग में कैसे करना है पर्सनल लेवल पर कैसे करना है है। और इसी तरह हमें डिफर, डिफरेंट नॉलेज की हमें जरूरत होती है और हम सोशलाइजेशन के जरिए ही एक दूसरे से सीखते हैं हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हुए बहुत से डेली लाइफ इश्यूज को सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हैं ये सब हम सोशलाइजेशन के थ्रू ही सीखते हैं इसी तरह डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट कल्चर से आप देखें कि कल्चर में डिफरेंट वैल्यूज होती हैं उनके नॉर्म्स होते हैं हम जिस तरह सोशलाइज करते चले जाते हैं तो हमें डिफरेंट वैल्यूज के बारे में पता चलता जाता है डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट नॉर्म्स के बारे में हमें पता चलता जाता है और हमारे कुछ असूल होते हैं वैल्यूज होती हैं जब हम लोगों से रिलेट करते हैं उनके साथ interact करते हैं लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है मेल मिलाप होता है तो ही हम बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं इसी तरह हमें क्या चीज मोटिवेट करती है क्या चीज जो है वो हमें आगे बढ़ने में हेल्प आउट करती है क्या चीजें हमें डिमोटिवेट ट कर देती हैं हम अगर कोई काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हम हमारे डिफरेंट लाइफ में डिफरेंट परपजेस होते हैं हमारी जिंदगी के गोल्स मुख्तलिद होते हैं और हम गोल सेट करते हैं उन गोल को हम परसू करने की कोशिश भी करते हैं और हमारे डिफरेंट किरदार होते हैं डिफरेंट रोल्स होते हैं हमारा घर में भी एक रोल होता है हमारा घर से बाहर एक रोल होता है हमारा सोशल सेटिंग में रोल होता है हम वर्क प्लेस पर हमारा एक डिफरेंट रोल होता है तो हम सब एट अ टाइम डिफरेंट रोल्स भी प्ले कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लर्न करते हैं ये हम सोशलाइजेशन के थ्रू लर्न करते हैं जब हम सोसाइटी में मूव करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ एफिलियट करते हैं उस कम किसी कम्युनिटी में रह रहे होते हैं तो हम ये डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं और हमें ये समझ आती है कि हमने दुनिया के साथ कैसे चलना है लोगों के साथ रिलेट कैसे करना है तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये बेसिकली सोशलाइजेशन होगा सोशलाइजेशन मेक्स अस लाइक मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इन मेंटेंट वेज अब सोशलाइजेशन जो है वो इसके जरिए डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो लर्न होते हैं आपका एक लाइफ स्टाइल डिवेलप होता है अब वो लाइफ स्टाइल या वो पैटर्न वो रहन सहन का तरीका या इंट्रैक्शन का तरीका एक इंट्रैक्टिव स्टाइल होता है तो वो सिर्फ आपका नहीं होता है बल्कि वो सोसाइटी में एक से ज्यादा लोगों का होता है आप डिफरेंट रीजन के लोगों को डिफरेंट कल्चर के लोगों को अगर आप ऑब्जर्व करें डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोगों को करें तो उनके आपको पैटर्न जो भी शेयर्ड पैटर्न नजर आएंगे उनके बिलीव उनकी एटीट्यूड उनका उनके बिहेवियर्स और उनके जो लैंग्वेज है और उनका लाइफ स्टाइल है तो उसमें सिमिलैरिटी नजर आएगी तो ये क्यों होती है क्योंकि सोशलाइजेशन के जरिए ही होता है सोशलाइजेशन जो है वो बेसिकली आपको वैसा बनाती है जैसे सोसाइटी के बाकी लोग हैं और ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है सोशलाइजेशन आल्सो प्रोड्यूस आवर इंडिविजुअलिटी लेकिन सोशलाइजेशन आपको दूसरे लोगों की तरह बनाने के साथ-साथ आपकी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन करने में रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए ही आपकी अपनी एक आइडेंटिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है आप सेल्फ और अदर में डिफरेंशिएट करना फर्क करना जो है वो सीखते हैं क्योंकि अकेले रहकर आप जो है आपको वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हो सकती जितना आप लोगों के दरमियान जाते हैं उनसे घुलते मिलते हैं इंट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपको समझ आना शुरू होती है कि आप कौन हैं इंसान अपने आप से सवाल करता है कि मैं कौन हूँ तो आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है ठीक है आप एक ग्रुप का हिस्सा है एक सोसाइटी का हिस्सा है आप बहुत सारी चीजें वैसे कर रहे होते हैं आपके बहुत से बिलीव जो है वो दूसरे लोगों के जैसे होते हैं कॉमन बिलीव है आपका लाइफ स्टाइल आपके पैटर्न होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो होता है क्योंकि आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और उस पर्सनालिटी का भी एक रोल होता है और उसकी भी एक वर्थ होती है तो ये दोनों चीजें आपको सोशलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए सीखने को मिलती है आपका सेल्फ जो है वो वक्त के साथ डेवलप होना शुरू हो जाता है और आपके एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि आप सेल्फ एक्शन लेते हैं आपके जो बिहेवियर्स हैं वो सेल्फ ऑरियंटेड होते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये मैं हूँ ये मेरे गोल्स हैं और मैंने ए, ये मेरे डिसीजन है मैंने अपनी लाइफ इस तरह गुजारनी है तो आपके जो एक्चुअल आपके बिलीव होते हैं वो भी आपके सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं आप आप जो हैं आपकी जो जात है आप जो सोचते हैं आप उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो लाइफ में डिफरेंट प्लानिंग करते हैं तो ये सारी चीजें भी कैसे होती है भी सोशलाइजेशन के जरिए होती हैं क्योंकि आप देखेंगे एक छोटा बच्चा है जब वो आईने के सामने खड़ा होता है तो वो इस तरह कम्युनिकेट करता है कि जैसे वो बच्चा कोई और है उसको ये सेंस उसमें उस वक्त तक नहीं होता है कि ये मैं ही हूँ लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जब इंट्रैक्ट करता है उसका सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता चला जाता है वो लोगों से रिलेट करना शुरू करता है तो फिर उसको समझ आना शुरू होती है कि ये मैं हूँ और ये दूसरा है तो इस आपका पूरा होल सेल्फ और आपके अंदर जो कैपेसिटी है सेल्फ लेने की ये भी के जरिए होती है ना ऑन सोशलाइजेशन nature द नेचर socialization कैन बी discussed फ्रॉम biological एनवायरमेंटल perspective अब हम जब socialization को डिस्कस करते हैं कि socialization है क्या किस तरह होती है तो हमें यहाँ पर दो तरह के फैक्टर्स पर बात करना होगी एक में बायोलॉजिकल और दूसरे एनवायरमेंटल तो हम यहाँ पर जो सोशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी हम उसका देखेंगे और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी देखेंगे क्योंकि नेचर नर्चर डिबेट जो है वो बहुत अरसे से चली आ रही है और हम जब डिफरेंट इशूज को या डिफरेंट ए, बिहेवियर्स को या किसी भी सेटिंग uh, में हम किसी स्पेसिफिक फिनोमिन uh, को स्टडी करते हैं तो वहां पर हम नेचर नर्चर को लेकर चलते हैं कि एक इंसान जो है वो उसका अगर बिहेवियर है तो उसमें कुछ रोल उसके बायोलॉजिकल जो है वो फैक्टर्स का होगा और कुछ रोल उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी होगा नंबर वन पर्सपेक्टिव। सम थ्योरिस्ट व्यू सोशलाइजेशन एस लार्जली डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस एंड साइकोलॉजिकल मैचोरेशन विच आर बायोलॉजिकली डेवलपमेंटल से अगर हम चीजों को देखें तो थ्योरिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि आपका जो ये साइकोलॉजिकल जो मैचोरेशन आपकी आ रही होती है या पुख्तगी आपके अंदर आती है ना जिसमानी भी आती है और जहनी भी आती है फिजिकल मैच्योरेशन भी होती है और साइकोलॉजिकल भी होती है जो वक्त के साथ आपको दिखाई देती है कि एक बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो फिजिकली भी वो ग्रो उसकी ग्रोथ होती है उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी होती है उसके डिफरेंट बिहेवियर्स भी डेवलप होते हैं तो डेवलपमेंटल डेवेलपमेंटल के मुताबिक ये जो चेंजेस आ रही होती है जो मेच्येशन है उसके के साथ उसके अंदर पुख्तगी आ रही है तो ये बायोलॉजिकली डिटर्मिन है यानी इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल है बायोलॉजिकल फैक्टर्स में उसकी डिफरेंट चीजें होंगी जिसको वो कंसिडर करेंगे डेवलपमेंटल डेवलपमेंट development, कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती चली जाती है कि जैसे फिजिकल डेवलपमेंट तो एक स्टेज पर जाकर uh, वो हो जाती है रुक जाती है लेकिन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है बिहेवियर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आपको थ्रू आउट द लाइफ जो है वो नजर आएगा

आपके आपके जो जो एक functioning है, physiological functioning है, आपके जो है वो इसकी की का रोल है और डिफरेंट ग्लैंड हैं और हार्मोनल चेंजेस जो हो रही होती दौरान प्रेगनेंसी के दौरान का एक फेज आता है तो ये सारी चीजें जो है वो पर्सन के बिहेवियर पर असरअंदाज होती हैं और ये इससे मूड चेंजेस भी आप देखेंगे मूड स्विंग्स होते हैं इन चेंजेस की वजह से बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग की वजह से बिहेवियर में चेंज आता है फीलिंग्स में चेंज आता है इमोशंस में चेंज आता है कभी एक पर्सन बहुत मोटिवेटेड और एक्टिव आपको नजर आएगा लेकिन कभी उसकी वो बड़ा एक लो फील करेगा या उसकी फंक्शनिंग जो है वो आपको बड़ी उसमें कोई इतनी नजर नहीं आएगी वो स्लो होती चली जाएगी तो आ, कभी वो बहुत एक्साइटेड एक्साइटेड भी होगा और कभी वो बिल्कुल एक विड्रॉल टाइप एटिट्यूड भी उसके अंदर आपको दिखाई दे सकता है तो ये चीजें जो हैं वो क्यों होती हैं क्योंकि उसकी जो ये सारी डिपेंड करते हैं कि उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग किस तरह है और उसके ब्रेन का उसमें क्या रोल है उसके हार्मोनल चेंजेस किस तरह की हो रही हैं जो सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि बच्चा जो है वो वक्त के साथ उस, उसकी डेवेलप होती हैं, उसकी बिहेवियर स्किल्स डेवेलप होती है, है लर्न करता चला जाता है कि वो चीजों के बारे में सोचता है उसका मेंटल प्रोसेस होता है डिफरेंट एक्शन लेता है सिचुएशन को हैंडल करना सीखता है ये किस तरह होता है वो एन्वायरमेंट में जब इंट्रैक्ट करता है एनवायरमेंट में जाता है लोगों से मिलता है लोगों से इंट्रैक्ट करता है रिलेट करता है और सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो फिर उसकी वो कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं वो सामने आना शुरू होती है मतलब और ज्यादा उसमें एक निखार पैदा होना शुरू हो जाता है अगर उसका एन्वायरमेंट में इंट्रैक्शन का प्रोसेस बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है इसी तरह उसके अंदर जो बिहेवियर लेवल पर जो मेच्योरिटी नजर आएगी स्किल्स डेवलप होंगी वो एनवायरमेंट में ही जाकर होंगी उस पर माहौल के साथ माहौल जिस माहौल में वो होगा जिस तरह लोगों से वो रिलेट करेगा या इन्वायरमेंट में से किस तरह डील किया जा रहा है ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे उसकी कॉग्निटिव और बिहेवियरल फंक्शनिंग पर चिल्ड्रेन ऑल्सो मस्ट लर्न अबाउट द सोशल एनवायरमेंट तो बच्चों ने जो है वो अपने जो इनका सोशल इन्वायरमेंट है उसके बारे में भी सीखना होता है जानना होता है लर्न करना होता है जो एनवायरमेंट में जाता है घर से बाहर बच्चा निकलता है पहले छोटा बच्चा होता है घर में होता है, से बाहर निकलता है दूसरे बच्चों से रिलेट करता है इंटरेस्ट शो करता है खेलता है तो वो बात करता है जो भी उसकी लैंग्वेज जितनी उसकी डेवलप हुई होती है उसके अकॉर्डिंगली अपनी बात समझाने की कोशिश करता है दूसरों की बात सुनता है तो उसको फिर एनवायरमेंट का पता चलता है कि यह इन्वायरमेंट जो है सोशल का है वहां पर लोग भी होते हैं एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं और प्लांट्स हैं और उसको और बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है सोशलाइजेशन के थ्रू दे मस्ट लर्न द लैंग्वेज यूज बाय पीपल कम्युनिकेट देयर नीड्स टू अदर इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन uh, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक बच्चा जो है उसके साथ कम्युनिकेट कैसे किया जा रहा है बच्चे ने लैंग्वेज सीखनी होती है बच्चा वर्ड्स प्रॉपर तरीके से उसी वक्त बोलता है जब वो सही तरीके से सुनता है तो बच्चा जो वर्ड्स सुनता है वही वो, वो सुनकर फिर उसको यूटिलाइज करता है उसकी लैंग्वेज इसी तरह डेवेलप होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है और वो चीजों को रिसीव कर रहा होता है जबान सीख रहा है डिफरेंट वर्ड सीख रहा है और फिर वो उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करता है उन्हीं वर्ड्स को यूटिलाइज करता है और अपनी समझाने की कोशिश करता है तो बच्चों को कम्युनिकेशन के पैटर्न्स जो हैं, वो उसके जो वेज हैं, वो भी उसको सोशलाइजेशन के जरिए जो है वो समझ आना शुरू होते हैं कि उन्होंने अपनी नीड को कैसे बताने कि उन्हें क्या चाहिए उन वो वो क्या चाहते हैं वो वो क्या सोचते हैं उनकी क्या डिजायर्स हैं ये सब करने के लिए बच्चों की लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर डेवलप होना जरूरी है और ये उस वक्त डेवलप होती है कि जो बच्चे को एक या एक स्पेसिफिक या बेहतर जो है है वो सोशल प्रोवाइड किया जाता दे आल्सो नीड टू लर्न द मीनिंग देयर केयर गिवर्स एसोसिएट विद वेरियस एक्शंस अब इनको मतलब भी समझ आना होता है जैसे केयर गिवर्स हैं या पेरेंट्स हैं जब वो उन बच्चों को डील कर रहे होते हैं या जैसे स्कूल में बच्चा जाता है और वो टीचर्स होते हैं उसको डील कर रहे होते हैं तो उनके डिफरेंट एक्शंस हैं तो वो एक्शन को भी समझते हैं समझने की कोशिश उन्हें करनी होती है तो उनको मतलब समझ आता है कि जैसे जरूरी नहीं है कि बाजू का एक वर्ड कहा जाए अगर वर्ड नहीं किया जा रहा बोला नहीं जा रहा बच्चे के पेरेंट्स हैं या उसके केयर गिवर हैं वो कुछ कह नहीं रहे लेकिन एक करके दिखा रहे हैं कोई काम कर रहे हैं तो बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो बच्चा उस एक्शन को भी ऑब्जर्व करके उसको भी समझने की कोशिश कर रहा है उसको भी मीनिंग देने की कोशिश कर रहा है तो बच्चे ये जो मीनिंग भी जो है वो दे समझते हैं चीजों को इंटरप्रेट करना सीखते हैं तो ये भी सोशलाइजेशन के जरिए होता है और ये लर्निंग भी उनके अंदर ये स्किल उनके अंदर डेवलप होती है तो बच्चा जब सोशल इन्वायरमेंट पे जाता है तो वो उसके कम्युनिटी बिहेवियर स्किल्स डेवलप होती हैं उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है और बच्चों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि एक एक्शन का मतलब क्या है एक वर्ड का मतलब क्या है और वो अपनी बात समझना जो है वो वो भी जानता है कि अपनी बात कैसे समझानी है और दूसरों की बात को कैसे समझना है According to the social learning perspective, socialization is primarily a process of children learning the shared meanings of the group in which they are reared. अब uh, social learning perspective ये कहता है कि socialization का जो process होता है जब एक group में बच्चा होता है group के साथ affiliate कर रहा होता है जिसके साथ वो काम कर रहा होता है तो उस group में जो activity चल रही होती है या वो जिस तरीके से काम हो रहा होता है तो वो मीनिंग फिर उसमें जो एक्शन हो रहे हैं या कोई बात कही जा रही है कम्युनिकेशन जो हो रही है तो उसकी मीनिंग जो है वो सारे ग्रुप के बच्चों के लिए सेम होगी मतलब शेयर्ड मीनिंग्स है कि वो उस चीज का एक बच, अगर उस ग्रुप में पांच बच्चे हैं तो वो पांच के पांच बच्चे जो है वो उससे एक चीज को एक तरीके से समझेंगे मतलब उनके अंदर जो एक सेंस डेवलप होगा कि इस चीज को ये चीज ये है और डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे तो वो मोरलेस चीजें जो है वो मैच करती होंगी क्योंकि वो जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उसमें वो एक कलेक्टिवली एक चीज जो है वो सीखी जा रही है नंबर थ्री

देना सीखता है मतलब उसकी अपनी एक आ, मीनिंग की एक दुनिया जो है वो क्रिएट होती चली जाती है वो कंस्ट्रक्ट करता चला जाता है अपने एक व्यूज को को कि वो चीजों ठीक है ले रहा है समझ रहा है अंडरस्टैंड कर रहा है लेकिन वो उसका मतलब भी निकाल रहा है जब वो उसको मीनिंग देना शुरू करेगा तो वो अपने एंगल से डिफरेंट चीजों को रीजन आउट करना सीखेगा उसको रिलेट करना सीखेगा तो वो उसको बेसिकली तरीके से रिप्रोड्यूस ही कर रहा होता है जो कुछ उसने सीखा होता है चिल्ड्रन डू नॉट सिंपली लर्न कल्चर के बच्चे जो है वो सिम्पली ये नहीं की कल्चर बस उन्होंने उसको सीख लिया देख लिया की एक स्पेसिफिक कल्चर का हिस्सा है ग्रुप का हिस्सा है तो जो चीजें हो रही है बस वो ठीक है हो रही है और वो लर्न कर रहा है ऐसा नहीं होता बल्कि वो उसके मेंटल प्रोसेस उसमें उसका इन्वॉल्व होता है इन डेली इंट्रेक्शन चिल्ड्रेन एंड इंटरप्रेटिव स्किल दैट देर लर्निंग और इसी तरह वो इंट्रेक्शन में डेली लाइफ में जब वो लोगों से रिलेट करते हैं तो उन्होंने जो लैंग्वेज सीखी होती है उन वर्ड्स को वो यूटिलाईज करते हैं अपनी नीड के मुताबिक एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हैंडल करने के लिए और वो उनकी जो इंटरप्रेटिव स्किल्स होती हैं वो उन्होंने जो खुद से उनके अंदर एक एबिलिटी डेवलप होती है कि चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे उसका मतलब निकालेंगे उसको समझेंगे और फिर उसको एसोसिएट करेंगे तो उसको यूटिलाइज करते हैं और उन्होंने ये लर्निंग जो है वो उनकी होती चली जाती है और वो चीजों को नई नई चीजों को भी डिस्कवर करते चले जाते हैं क्योंकि लर्निंग और डिस्कवरी जो है वो किसी स्टेज पर रुकती नहीं है थ्रू आउट द लाइफ चलती चली जाती है आप एक एनवायरमेंट में होते हैं आप एक चीज लर्न करते हैं और एक एनवायरमेंट में आपको एक से ज्यादा तरह के एक्सपीरियंसिस भी होते हैं किसी तरह बात आप नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं क्यूरियस होते हैं तो बच्चे तो वैसे ही बड़े क्यूरियस होते हैं एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं तो उनकी लर्निंग जो है वो होती चली जाती है डिस्कवरी होती चली जाती है उनके इंटरप्रेटिव स्किल जो है वो वक्त के साथ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है होती है, चली जाती है

और उनको वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो दोनों जो है वो अंडरस्टैंड हो रही है और फिर उनको नॉलेज मिल रहा होता है एक फैमिली का हिस्सा होता है स्कूल का हिस्सा होता है किसी सोशल सेटिंग में जाते हैं बच्चे पार्क में जाते हैं इन्वायरमेंट में जाते हैं सोशल गैदरिंग्स को जो है वो उसमें पार्ट देखते हैं टेंड करते हैं डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तो वो वहां से उनको जो नॉलेज मिल रहा होता है उनकी कम्युनिकेशन जो है वो उनमें प्रोफिशेंसी आ रही होती है वो कमांड उनकी जो है वो हो रही है साथ जो होती है उनकी एबिलिटी डेवलप हो रही है तो वो उस इसकी हेल्प से वो उनको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कल्चर की मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक कल्चर सिंपल एक चीज हो रही है बल्कि वो उसको वक्त के साथ वो डेप्थ में अंडरस्टैंड करना भी शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक दुनिया है वो, वो उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्ट की है दुनिया चीजों को समझने की कोशिश की है वो खुद भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं मतलब निकाल रहे हैं चीजों का उसको एनालाइज करना सीख रहे हैं एनालिटिकल स्किल उनकी डेवलप हो रही है तो उसकी हेल्प से भी वो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं चिल्ड्रन थ्रू इंटरेक्शन एक्वायर एंड रिप्रोड्यूस द कल्चर और फिर इसी तरह वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और वो डिफरेंट स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए उस कल्चर से बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं अंडरस्टैंड भी करते हैं और बहुत सारी चीजों में फिर अमेंडमेंट भी आती है उसको रिप्रोड्यूस भी करते हैं नहीं कि कल्चर से अगर उन्होंने चार चीजें सीखी हैं या उन्होंने देखा है तो एज इट इज उसको वैसे ही करते हैं तो बाजुकात वो कुछ चीजों को चेंज भी करते हैं कुछ चीजों को अपने हिसाब से भी वो देखते हैं अपने एंगल से भी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये सारा इंटरप्रेटिव जो है वो उसके पर्सपेक्टिव की हेल्प से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बच्चे किस तरह एक सोसाइटी में रहते हुए उस कल्चर में रहते हुए या किसी रीजन के, है, के हैं स्पेसिफिक रीजन के ग्रुप से एफिलेटेड हैं तो किस तरह उसको अंडरस्टैंड करते हैं उनके अंदर सोशललाइजेशन जो है वो कैसे होती है नंबर फोर द इंपैक्ट ऑफ सोशियलिस्ट स्ट्रक्चर द फोर्थ पर्सपेक्टिव एमफेसिस द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर अब इसमें फोर्थ जो पर्सपेक्टिव है वो डिस्कस करता है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है सोशललाइजेशन पर टीचिंग न्यू मेंबर्स टू द रूल्स ऑफ द गेम इज टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट चांस अब जैसे सपोज अगर कोई गेम है तो गेम में अगर न्यू मेंबर्स भी आते हैं जैसे अगर कोई टीम है तो न्यू मेंबर्स आते हैं तो न्यू मेंबर्स को भी आपने रूल्स गेम्स के बताने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं द सोशलाइजेशन इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ रूल्स दैट न्यू कमर टू द सोसाइटी पास टू अब सोसाइटी में अगर कुछ लोग नए लोग उस सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं तो उन्होंने उन रोल्स को परफॉर्म करना होता है उन्होंने वो किरदार अदा करना होता है तो सोशलाइजेशन जो है वो रोल्स के के सीक्वेंस मुताबिक जो है वो होती है सोशल स्ट्रक्चर डेजिग्नेट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पर पर प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड आउटकम अब सोशल स्ट्रक्चर जिस तरह का एनवायरमेंट पर होता है तो वो किसी पर्सन या इदारे को जो है वो इस बात का जिम्मेदार बनाता है कि उन्होंने एक अगर आउटकम है उसको हासिल करने के लिए वो जो चाहते हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए तो वो किस तरह अपना एक किरदार अदा करेंगे और किस तरह हर स्टेज पर जो उनसे डिमांड किया जाता है कि उनका ये रोल है उनकी ये ड्यूटी है तो उन्होंने उसको कैसे लेकर चलना है तो वो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताएगा उसका इंफ्लुएंस होगा और उस सोशल स्ट्रक्चर के मुताबिक ही एक पर्सन जो है वो माशरे में अपना किरदार अदा करता है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके इन अम्प्लेक्स सोसाइटी अब जो हमारी सोसाइटी है तो सोसाइटी में आप देखिए सीक्वेंस ऑफ रोल्स हैं अगर आप रोल्स देखें तो आप देखें जब आप एक पर्सन बच्चा होता है तो उसका डिफरेंट रोल होता है जब वो टीन में जाता है तो उसका डिफरेंट रोल होता है इसी तरह फिर जब वो एडल्ट फेज में जाता है तो उसके डिफरेंट रोल्स होते हैं पहले वो स्टूडेंट है फिर इसके बाद अब वो जॉब कर रहा है जब वो जॉब करता है तो उसका रोल डिफरेंट हो जाता है फिर जब उसकी शादी होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं इसके बाद उसकी फैमिली एक्सटेंड होती है तो फर्दर उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी या जो उसके एक्सटेंडेड रिलेशन होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो एक जो है वो घर में फैमिली है उसका वो है, लेकिन जब वो तो वर्क प्लेसिटी है इसी तरह वो जितने लोग रह रहे होते हैं तो हर घर का अपना एक रोल होता है उस कम्युनिटी को डेवलप करने में उस मोहल्ले में जो एक अच्छा एक अगर आपको कोई इन्वायरमेंट नजर आएगा तो उसमें मोहल्ले के उस गली के जितने घर होंगे उन सब का रोल होगा और उसमें घर में हर फर्क का अपना एक रोल होगा तो हमारे डिफरेंट रोल्स होते हैं सीक्वेंस में भी होते हैं और डिफरेंट सेटअप में सेटिंग में भी हमारे डिफरेंट रोल्स होते हैं तो हमने उनी कोर के रोल के मुताबिक जो है वो अपना अपने हिस्से का काम करना होता है और हमने कोरिस्पॉन्ड करना होता है दिस पर इट कंसिडर सोशलाइजेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप लाइफ अब ये सोशलॉजिकल से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये बेसिकली ग्रुप लाइफ है कि आप डिफरेंट ग्रुप का हिस्सा होते हैं और आपकी जो सोशलाइजेशन हो रही होती है तो जब आपके वो ग्रुप लाइफ एक आपकी होती है तो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं अफिलियशन आपकी होती है चाहे वो लर्निंग एनवायरमेंट हो लिविंग एनवायरमेंट हो ठीक है कोई कम्युनिटी लेवल पर हो तो आपकी वो जो ग्रुप से आप अफिलियट किसी न किसी ग्रुप से अफिलियट कर रहे होते हैं है और उसी की वजह से सोशललाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आ, सामने आता चला जा रहा होता है कॉज ऑफ रिटेंशन टू द चेंजिंग कंटेंट ऑफ एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर सोशललाइजेशन थ्रू आउट द इंडिविजुअल लाइफ अब इससे हमें ये समझना चाहिए कि जो एक इंडिविजुअल लाइफ जो है वो सारे पूरी उसकी जिंदगी जो एक पर्सन की जो है वो सोशललाइजेशन किस तरीके से उसकी होनी है किस तरह चीजें चेंज होनी है और किस तरीके से वो प्रोसेस होगा पूरी जिंदगी इस तरफ इसको भी अंडरस्टैंड करने की जो है वो बहुत ज़रूरत है इसमें किस तरह हर फर्क का अपना किरदार होता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में किस तरह की चेंजेस आती हैं क्या बेहतर है क्या चेंजिंग कंटेंट क्या है किस तरीके का किस लेवल पर किस तरह की चेंजेस आनी हैं ये सारी चीजें जो है उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंसान की एक फर्क की जो पूरी जिंदगी है ये सारा प्रोसेस जो है वो उसकी थ्रू आउट लाइफ जो है वो चलता चला रहता है